आगामी विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी के चयन के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए चुनाव समिति का गठन भी कर लिया है। इस 16 सदस्यीय चुनाव समिति में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित प्रदेश के चारों सांसद और वरिष्ठ नेताओं को तरजीह दी जाएगी। भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि आचार संहिता के लागू होने के तुरंत बाद ही भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। सत्ती ने कहा कि प्रदेश चुनाव समिति द्वारा चयनित प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय हाईकमान को भेज दिए जाएंगे। वहीं सतपाल सत्ती ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मंडी दौरे पर निशाना साधा। सत्ती ने कहा कि अपने भाषण में राहुल गांधी केंद्र की योजनाओं का श्रेय प्रदेश सरकार को दे गए। सत्ती ने राहुल गांधी द्वारा गुजरात की तुलना हिमाचल से करने पर भी आपत्ति जताई। सत्ती ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस कार्यकाल में भ्रष्टाचार और माफिया राज का विकास हुआ है। बीजेपी के अगले हफ्ते में प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग होगी, जो आने वाला सप्ताह है, बैठेंगे हम लोग अगले सप्ताह में, उसमें चर्चा होगी। वरिष्ठ नेताओं के ध्यान में कार्यकर्ताओं के नाम है, लोगों ने हमने ऑफिशियली तो नहीं मंगवाए हैं, लेकिन लोग मिलते हैं उसके नाते एक लिस्ट बनाई है। और वैसे भी हम लोग पूरे प्रदेश में संगठन, जीवित संगठन है भारतीय जनता पार्टी, सब लीडर्स पूरे प्रदेश में घूमते रहे हैं, सब कार्यकर्ताओं को जानते हैं कि विधानसभा में कौन दो चार व्यक्ति ऐसे हैं जिनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो उनमें से किसी एक व्यक्ति का चयन करना है तो एक टीम प्रदेश की बैठेगी और उसमें फैसला लेंगे, और आने वाले चुनावों के लिए कैंडिडेट्स को फाइनल करने में अगले सप्ताह में हम लोग बैठने वाले हैं। फिर पार्लियामेंट बोर्ड में लेकर के जाएंगे, फिर जैसा पार्लियामेंट बोर्ड कहेगा वो पार्लियामेंट बोर्ड के साथ साथ केंद्रीय हमारे नेताओं के माध्यम से सर्वा भी हिमाचल प्रदेश का करवाया जा रहा है, उन सब के तालमेल को बिठा करके ही कैंडिडेट फाइनल होगा। कब तक उम्मीद की जाती है भाजपा की सूची जारी होगी? कोड ऑफ ऑनर लगने के बाद एकदम हम लोग बैठ करके उसको फाइनल करेंगे।